गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ एक लोशन के बारे में। ये है फ्रॉम निविया। जैसे कि आप जानते हैं, मैं निविया की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सो ये वाले जो लोशन है, ये ऑयल इन लोशन वाले, इनके लॉन्च हुए थे आई गेस कुछ टाइम पहले, बट मैंने इसको रिसेंटली ही परचेज किया है। सो मैंने जो यहाँ पिक किया है, रोज़ एंड आर्गन ऑयल वाला। सो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं निविया ऑयल एंड लोशन, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुए थे। सो इसमें गाइज आते हैं 3 वेरिएंट। मैंने जो पिक किया है वो है रोज़ एंड आर्गन ऑयल वाला, और इसके अंदर जो 2 और आते हैं, वो एक आता है चेरी ब्लॉसम एंड जुजुबा ऑयल, एंड जो तीसरा है वो है वनीला एंड आमंड ऑयल। सो आप अपनी फ्रेग्रेंस की प्रेफरेंस के हिसाब से मंगवा सकते हैं। मुझे रोज़ की फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए मैंने रोज़ वाला पिक किया था। सो अब अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग है। ब्लूइश तो नहीं बोल सकते, पेल ब्लू सा कलर है ये, आप देख पा रहे हो। सो ये इसकी पैकेजिंग है गाइज, आप देख सकते हो ऊपर ये पंप है छोटा सा, और इस तरह की पैकेजिंग है। बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसकी। सो गाइज, पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि यू नो ये पंप फॉर्म में है, तो पंप फॉर्म में प्रॉब्लम ये होती है कि यू नो आप इसको कैरी नहीं कर सकते हो। मतलब ये ना तो इसमें लॉक सिस्टम तो है, बट यू नो ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है कि इसमें लीकेज का प्रॉब्लम रहता है। और गाइज, ये 2 साइजेस में अवेलेबल है। मैंने जो पिक किया है ये 200 ml वाला है, और जो इसका जो दूसरा साइज है वो 400 ml का है। सो जो 400 ml वाले का प्राइस है वो है 390 rupees, और 200 ml वाले का प्राइस है 240 rupees। मीन्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड मोस्टली आपको जो 400 वाला है उस पर ज़्यादा ऑफ मिलता है, और 200 वाला है उस पर कम ऑफ मिलता है। सो आई डोंट नो क्यों, मे बी उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। बट जैसे कि आप जानते हैं, निविया मेरा वन ऑफ द फेवरेट बॉडी केयर ब्रांड है। बहुत टाइम से मैं निविया के लोशंस यूज़ कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था ये कब आए, मैंने तो अभी रिसेंटली अनुष्का शर्मा की एड देखी थी निविया की, इनकी ऑयल एंड लोशन की। मैंने कहा अरे ये रह गया, मैंने ट्राई नहीं किया। सो मैंने एज सुन एज आई कम टू नो आई जस्ट यू नो ऑर्डर दिस वन। सो मैंने देखा कि 3 इसमें वेरियंट है, तो मुझे एक्चुअली वनीला की जो पैकेजिंग थी वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट उसमें था आमंड ऑयल। अब आमंड ऑयल है, दैट मीन्स कि थोड़ी सी बिटर फ्रेग्रेंस होगी उसकी। मतलब वो मुझे लगा कि शायद बिटर होगी, बट आई डोंट नो बिटर है या नहीं है। अगर आपने वो उनमें से कोई और वेरिएंट ट्राई किए हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो वनीला एंड आमंड ऑयल वाला है उसकी फ्रेग्रेंस बिटर तो नहीं है, कड़वी फ्रेग्रेंस तो नहीं आती, मतलब कैसी फ्रेग्रेंस उसकी आती है, तो प्लीज़ मुझे नीचे बता दीजिएगा। और चेरी ब्लॉसम वाला भी मुझे बता दीजिएगा वो कैसा है, बिकॉज उसमें चेरी ब्लॉसम है बट उसके ऑयल जो है वो जुजुबा ऑयल है। सो आई डोंट नो उन दोनों की फ्रेग्रेंस का, बट येस इसके बाद मैं वही वाला मंगवाऊंगी, चेरी ब्लॉसम एंड जुजुबा ऑयल वाला। सो अगर आप उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वो कैसे हैं, उनकी फ्रेग्रेंस कैसी है। इस वाले की फ्रेग्रेंस मैं अभी बता देती हूँ कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारी है, रोजेज की भी है, बट जैसी जो ओरिजिनल निविया की बेसिक निविया की जो फ्रेग्रेंस है वो तो इसमें है ही। अगली चीज़ जो इसमें रोजेज़ की फ्रेग्रेंस है वो बहुत प्यारी है, तो अभी मैं फटाफट बता देती हूँ। मैंने लिखा है ये गुडनेस ऑफ नेचुरल ऑयल इन दी फास्ट एब्जॉर्बिंग लोशन, दिस वन इज़ फॉर ड्राई स्किन। ट्राई निविया ऑयल इन लोशन रोज एंड आर्गन ऑयल, प्रीशियस आर्गन ऑयल केयरफुली ब्लेंडेड इन अ फास्ट एब्जॉर्बिंग लोशन। द गुडनेस ऑफ नेचुरल ऑयल गिव यू 24 hour मॉइस्चर विद अ डेलिकेट रोज फ्रेग्रेंस। सो ये उन्होंने इसके बारे में लिख रखा है। पैकेजिंग भी ऐसी ही है, इसके बाहर कोई और आउटर बॉक्स इसके नहीं आता है। अब मैं इसका स्वॉच आपको दिखा देती हूँ। आपको इस तरह से प्रोडक्ट लेना है, और ये बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत लाइट फॉर्म में है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑयल है तो ये बहुत ज़्यादा थिक होगा, ये आप देख सकते हो। वेट, तो ये आप देख सकते हो ये किस तरह का नज़र आता है। ये आप देख सकते हो ये बहुत ही पतला है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ऐसा फील होता है कि इसमें ऑयल है। बहुत ही नरिशिंग है, बहुत ही हाइड्रेटिंग है। मुझे तो ये ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है स्किन में, अब्जॉर्ब बहुत अच्छे से हो जाता है। फील होता है कि कुछ ऑयल है इसके अंदर, बट येस अब्जॉर्ब बहुत अच्छे से हो जाता है। आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे हैंड्स पे लोशन था, बट अब आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली
कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और बहुत ही नरिशिंग लग रहा है, बहुत ही नरिशमेंट फील हो रही है मुझे अपने हैंड्स में. और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही स्वीट सी फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी नहीं है बट स्वीट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है आई मस्ट से, विच इज़ रियली रियली नाइस. एंड ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन वालों का मुझे नहीं पता बट ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है. मेरी स्किन ड्राई है तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है. बट द ओनली प्रॉब्लम यू नो जो इंडिया का वेदर है इस टाइम पे मॉनसून के सीजन में बहुत ज़्यादा स्वेटी है, बहुत ही ज़्यादा स्वेटी है. सो मे बी आपको थोड़ा सा स्वेट फील हो इसको यूज़ करने के बाद, मतलब उतना लाइट ये नहीं है. अगर आप ये सोच के लोगे कि अगर इन्होंने लिखा है कि ये फास्ट एब्जॉर्बिंग है तो ये यू नो स्वेट नहीं आपको देगा, तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे हैंड्स में तो आपको स्वेट फील हो सकता है थोड़ा सा, बट विंटर्स के लिए दिस वन इज़ परफेक्ट. सो गाइज आज के लिए इतना ही. उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ये छोटा सा क्विक रिव्यू हेल्पफुल लगा है. अगर लगा है तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब. मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें. बाय बाय.